सभ्यता की विशेषता का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषता, और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो आयाम है उसकी चर्चा करेंगे इसी विषय विशेषता के अंतर्गत। तो जब विशेषता का अध्ययन करने जाएंगे तो हम इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स जो है उसको ध्यान में रखना है हमें, कि पहला जो है हम चर्चा करें आद ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरा हम बात करें ताम्र कांस्य युगीन, तीसरा नगरीय सभ्यता, चौथा अनेकता में एकता, एवं एकता में अनेकता के सांस्कृतिक प्रतिरूप पर संगठित सभ्यता। और फिर हमें बात करनी है निरंतरता की। निरंतरता हम लोग अलग से भी देखेंगे, बट इसमें आपको इन चीज़ों की बात करनी है। तो देखो, आज ऐतिहासिक सभ्यता की व्याख्या कर देनी है कि सिंधु सभ्यता एक आज ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसके संदर्भ में हमें लेखन कला का प्रमाण तो मिला है, लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, और इसलिए आज भी हमें सिंधु सभ्यता के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करना पड़ता है। ये छोटे पॉइंट हैं, इसी से शुरू करना है। दूसरा पॉइंट कि ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता एक ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें ताम्र धातु और कांस्य धातु दोनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह एक ऐसी सभ्यता है जिसमें कांस्य प्रौद्योगिकी का विकास दिखाई देता है, और कांस्य जो है प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत ताम्र से एडवांस होती है, क्योंकि कांस्य के निर्माण के लिए हमें चीन और तांबे को एक बैलेंस संतुलित अनुपात में मिलाकर के उससे कर्म करना पड़ता है। तो ये अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा एडवांस है, राइट। और तीसरा कि यह नगरीय सभ्यता है, इस पर विशद चर्चा हम लोग करें। दो पॉइंट तो छोटे छोटे करना है। तीसरा जो नगरीय सभ्यता है, एक तो ध्यान ही रखना है कि जब आपको विशेषता में पूछा जाएगा तो इसमें कम लिखेंगे। अलग से हम लोग नगर नियोजन भी देखेंगे, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन जिस पे क्वेश्चन बनती है, तो उसमें आप फिर उसको डिटेल करेंगे। लेकिन जब नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आप पे जरूर मेंशन करेंगे कि यह नगरीय सभ्यता है, तो नियोजित
नगर नियोजन। ये इंडस सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये प्लांड शहर है, प्लांड नगर है, यानी नगरों के निर्माण के पहले जो है उनका प्लान बना दिया जाता था। और ये जो नगर हैं ये ग्रिड प्रणाली पर हैं, ग्रिड प्रणाली पर अवस्थित है, ठीक है। फिर जब ग्रिड प्रणाली की बात करेंगे तो नगर में सड़कों की या बात करेंगे, सड़कों का निर्माण। फिर आप बात करेंगे जल निकासी प्रणाली, फिर हम बात करेंगे आवासीय भवन, फिर बात करेंगे सार्वजनिक भवन। राइट। और जनसंख्या मूलतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न थी। राइट। इतनी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब आप नगर नियोजन के बारे में भी बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की चर्चा करें तो वहाँ पर भी हम इतनी चीज़ों की चर्चा करते हैं। और जब आपको विशेषता में लिखनी है तो आप विशेषता में इसके पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पर आप सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को आप देखते हैं। राइट। जो कि सिंधु सभ्यता के विशेषताओं को रेखांकित भी करती है। इसके बाद जो पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट हमने आपको रखा है, वो बहुत ही मेजर पॉइंट है। इस पे एक तो जब आपसे विशेषता पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी तो आप इसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि फुल क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता जो है ये भारतीय सांस्कृतिक के विकास में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की सांस्कृतिक के जो प्रतिरूप है इसकी प्रथम अभिव्यक्ति करती है। यानी सबसे पहले हमें यहीं से ये कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि आज भी भारतीय संस्कृति का मूल है। तो प्रथम अभिव्यक्ति मिलती है, तो यहाँ से इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपको कई चीज़ें इसमें करना होगा जो मैं अभी आपसे चर्चा करता हूँ। कि पहला तो भौगोलिक विविधता है ना, भौगोलिक विविधता। अब आप जब ध्यान देंगे कि सिंधु सभ्यता जो है का भौगोलिक जो क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र इसमें हैं। पहला कुछ अफगानिस्तान का इलाका है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान में शुतुरघई और मुंडीगांक, सो शुतुरघई और मुंडीगांक जो है वो एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र है। राइट। पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं जो मुड़ा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों की पर्यावरणीय पारिस्थितिक जो अवस्थिति है वह डिफरेंट है। तो एक तो आप अफगानिस्तान में भी इसकी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, तीन देशों में फैला हुआ है। अफगानिस्तान तो पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान में जब आप आते हैं तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है वो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और सुतगा गेंडोर जो है जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल है वो अरब सागर के करीब है, यानी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। सुत
का गेंडोर, सुत का को और बालाथल, ये तीन महत्वपूर्ण साठ जो है वो समुद्र तटवर्ती है। और हड़प्पा, मोहनजोद्रो, चंद्रद्रो ये मैदानी इलाके में है। तो यानी केवल पाकिस्तान की अब बात करें तो वह पठारी क्षेत्र भी है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, यानी उसके भूगोल में विविधता है। भारत में अगर आप बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित मंडा जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है, जो श्रीनगर से करीब है, तो एक तो मंडा पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। अगर आप वहाँ से आते हैं, पंजाब में प्रवेश करते हैं, तो पंजाब में रोपड़ और चंडीगढ़ मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा का जो बनावली जो है, मीताथल जो है, वो मैदानी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में जो आलमगीरपुर है वो मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान में जो कलिबंगा है वो आपको मरुस्थल के करीब है। और गुजरात में जो लोथल है वो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। और धोलावीरा जो है खंभात की खाड़ी में के नज़दीक है। तो ये जो एरियाज है जो एक पूरी तरह से भौगोलिक रूप से विविधता प्रदर्शित करता है, डिफरेंसेस प्रदर्शित करता है। और अगर पूरे भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें, भौगोलिक विस्तार अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक विस्तार इसका कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके भूगोल में विविधता है, डिफरेंट है, डिफरेंसेस है इसके भूगोल में। और इसके भूगोल में विविधता है, लेकिन जो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, जो नगर नियोजन है, जो इसकी मेटेरियल कल्चर है, राइट, जो भौतिक संस्कृति है, उस भौतिक संस्कृति में एक रूपता है। एक ही तरह की भौतिक संस्कृति मिल रही है, एक ही तरह के ईंटों का प्रयोग अफगानिस्तान में भी हो रहा, पाकिस्तान में भी हो रहा, भारत के क्षेत्रों में भी हो रहा, एक ही तरह के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हो रहा, एक ही तरह के सील और सीलिंग का उपयोग हो रहा, एक ही तरह के लेखन कला का प्रमाण मिल रहा। तो जो भौगोलिक विविधता है वह इनकी एक रूपता पर हावी नहीं था, और इसलिए सिंधु सभ्यता में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता के तत्व मिलते हैं, इसको ध्यान में रखना। दूसरा, अगर बात करें प्रजातीय दृष्टिकोण से, अगर हम बात करें, है ना, प्रजातीय दृष्टिकोण से, रेशियल एलिमेंट, तो सिंधु सभ्यता की जनसंख्या के बारे में जो मानवीय कंकाल हमें मिले और उन मानवीय कंकालों का एंथ्रोपोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन किया गया, मानव शास्त्रियों ने उसका एनालिसिस किया, तो उस एनालिसिस से हमें चार प्रमुख प्रजातियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय, है ना, ये चार प्रमुख प्रजातीय तत्व मिले हैं इसमें। इससे ये बात साबित होती है कि अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करने के बावजूद सिंधु सभ्यता के लोगों ने एकरूप संस्कृति का विकास किया था, क्योंकि संस्कृति में विविधता नहीं है, ठीक है। संस्कृति में जो संस्कृति हम बात कर रहे हैं, यानी कि भौतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, मेटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आगे भी हम लोग देखेंगे। भौतिक संस्कृति मतलब कि इनके भवन निर्माण के जो तरीके हैं, जिन वस्तुओं का ये यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है, जिस तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिस तरह से इनका क्राफ्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, वो सभी क्षेत्रों में उसके निर्माण में समरूपता दिखाई दे रही है। और इसलिए इतनी प्रजातीय विविधता होने के बावजूद इनकी भौतिक संस्कृति में एकरूपता मिलना
यह साबित करती है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की अवधारणा विद्यमान थी। तीसरा, अगर बात आप करें सामाजिक क्षेत्र में, तो इनका समाज स्तरीकृत था, स्टेटिफाइड था। आर्थिक आधार पर देखिएगा तो समाज में अस्पष्ट रूप से वर्गीकरण था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो दुर्ग थे, जो दुर्ग क्षेत्र थे, जो फोर्टिफाइड एरिया में निवास करते थे, वो समाज के अभिजात वर्ग के लोग थे, संभ्रांत वर्ग के लोग थे, और जो दुर्ग के बाहर निवास करते थे वो आम जनता थी। लेकिन हड़प्पा से मजदूरों के आवास का प्रमाण मिला है, ठीक है, मजदूरों के भवन मिले हैं, एक कमरे का भवन मिला है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज जो था, यह तीन वर्गों में वर्गीकृत था। और इस तीन वर्गों में वर्गीकरण के बावजूद इनकी जो भौतिक संस्कृति है, उस भौतिक संस्कृति में एक रूपता है, क्योंकि अलग अलग अगर वर्गीय विभाजन हो गया तो उसकी झलक भौतिक संस्कृति में मिलनी चाहिए, लेकिन भौतिक संस्कृति में उसकी विभाजन नहीं मिलती है। और इसलिए हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की सांस्कृतिक प्रतिरूप पर अवस्थित थी ये सभ्यता। इसके बाद अगर हम बात करें धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंधु सभ्यता के। धर्म की बात हम करेंगे, आगे भी करेंगे, तो सिंधु सभ्यता के जो धार्मिक जीवन है उसमें भी विविधता दिखाई दे रही। कैसे? कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी हैं। यहाँ बहुदेववाद का प्रचलन है, एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं, ये प्रकृति पूजक हैं, ये मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं, लिंग योनि की पूजा इनमें प्रचलित है, इनमें सर्प की पूजा है, इनमें अग्नि पूजा भी है, इनमें बलि का भी प्रमाण है, और साथ ही साथ जल की पवित्रता भी है का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अग्नि कुंड में कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, इसलिए ये लग रहा कि यज्ञ जैसी प्रक्रिया जो है उससे भी ये परिचित थे। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पर दे रहा मृतक संस्कार, जो कि धर्म के अंतर्गत भी आप शामिल कर सकते हैं मृतक संस्कार, क्योंकि मृत्यु के बाद की जो संस्कार है उसमें भी अंतर है। उसमें क्या अंतर है कि ये करते हैं पूर्ण सावधान, आंशिक सावधान, और दाह कर्म। अब अगर कोई ऐसा सोसाइटी है जिसमें अलग अलग मृतक संस्कार है, तो यह बात आप मान लीजिए कि उस सोसाइटी में विविधता है, उसके धार्मिक परंपराओं में विविधता भी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक क्षेत्र है उसमें भी एक रूपता नहीं है, उसमें विविधता है। लेकिन इतनी बड़ी विविधता होने के बावजूद इसकी भौतिक संस्कृति में एक रूपता है। राइट? इनके जो मटेरियल कल्चर है उस मटेरियल कल्चर में बड़े पैमाने पर एक रूपता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें अनेकता में एकता, एकता में अनेकता की सांस्कृतिक प्रतिरूप पर यह संगठित है। और लास्ट में आप इसके अंतर्गत बात करेंगे कि निरंतरता, तो सिंधु सभ्यता के जो भौतिक
और अभौतिक दोनों ही तत्व हैं, उसकी निरंतरता बाद के दिनों में देखने को मिलती है। यानी भौतिक संस्कृति की निरंतरता का मतलब क्या है कि इन्होंने जिस नगर नियोजन का निर्माण किया, उस नगर नियोजन की प्रक्रिया बाद के दिनों में भी दिखाई देती है। जिन मेटेरियल कल्चर का उपयोग ये कर रहे थे, उसका भी निरंतरता बाद की संस्कृति में दिखाई दे रही है। या फिर इनके जो इकोनॉमिक गतिविधि थी, जो कृषि और फिर हस्तशिल्प उद्योग और व्यापार, ये तीनों ही इकोनॉमी के जो सेक्टर थे, इन तीनों ही की निरंतरता बाद के दिनों में व्यापक तौर पर दिखाई देती है। और अभौतिक संस्कृति यानी धर्म प्रथा परंपरा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक जीवन है वो हिंदू धर्म के उद्विकास को रेखांकित करता है, तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसकी निरंतरता देखने को मिलती है और ये सारा चीज़ हिंदू धर्म में है। और इसलिए हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही सांस्कृतिक तत्वों की निरंतरता बाद के दिनों में देखने को मिलती है। और इस तरह से आप सिंधु सभ्यता की विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं।